अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपको आज कंपैरिज़न करके दिखाऊंगा नया पे और सदा पे के दरमियान। और हम इस वीडियो में आज इनकी कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ देखेंगे कि, और उसके बाद आप फिर जिसमें अपना मर्ज़ी से अकाउंट क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो फुल देख लीजिएगा एंड साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, सबसे पहले हम जो नया पे और सदा पे की सिमिलरिटीज़ देखेंगे इसमें। अच्छा, इसमें जो पहली सिमिलरिटी है ना, वो है फिज़िकल और वर्चुअल डेबिट कार्ड, दोनों में से वो फ्री मिलता है और इसमें एनुअल फीस भी नहीं है। मतलब दोनों में आपको फ्री बस जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप किसी और, मतलब नया पे या सादा पे से किसी और बैंक अकाउंट या किसी और जगह पर पे मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल फ्री आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई टैक्स उस पर भी नहीं। इसके बाद मतलब लाइफ चैट आता है, मतलब आप अगर कंपनी के साथ लाइफ चैट कर सकते हो अगर कोई इशू वगैरह हो। उसके बाद आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो दोनों में। और दूसरा है ना कि जो डेबिट कार्ड है ना, उसके ज़रिए आप लोग जो है ना इसको कंट्रोल भी कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। तो आप इस ऐप के थ्रू जो है ना इस डेबिट कार्ड को फ्रीज़ भी कर सकते हो, उसको ब्लॉक भी कर सकते हो ताकि कोई और यूज़ ना करे ना। तो इसी तरह आप जो है ना इसमें लिमिट भी इंक्रीज़ कर सकते हो। आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो इसमें पहले आपकी लिमिट थोड़ी सी कम होती है, मतलब 10,000 पर मंथ या वीक। तो अब इस आप जो है ना ऐप नया पे और सादा पे में ऐप के थ्रू जो है ना अपनी लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। बस आपने जस्ट अपने फिंगरप्रिंट्स उधर बायोमेट्रिक स्कैन करने पड़ते हैं और उसी टाइम बस आपका जो लिमिट है ना वो 2,00,000 तक चला जाएगा। अच्छा, तो अभी आते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है ना, वो वेटिंग लिस्ट का है। जो हम नया पे अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें हमें वेटिंग लिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आप जिस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो 2 घंटों के अंदर अंदर ही आपका अकाउंट जो है ना अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर आप सादा पे में देखें, तो सादा पे में अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आपको वेटिंग लिस्ट में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत बंदे होते हैं ना, तो तकरीबन 1 हफ्ता लगता है उसमें। इसके बाद आते हैं, अच्छा इस नए ऐप में जो दूसरा डिफरेंस है ना, वो नो रेफरल सिस्टम है। मतलब इसमें आप बंदे इनवाइट वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन अगर सादा पेज है ना, इसमें अगर आप इनवाइट करेंगे तो आपको एक फ़ायदा ये होगा ना कि जो वेटिंग लिस्ट में अगर आप 80,000 बंदे में से पीछे हैं ना, आपसे 80,000 बंदे आगे हैं, तो आप अगर एक बंदे को इनवाइट करेंगे ना, तो आप को 16,000 बंदों से आगे चले जाएंगे। मतलब 80 पे थे, फिर 66 पे चले जाएंगे आप। और अगर आपके पास वो गोल्डन टिकट हो ना, तो फिर उस वेटिंग लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बाद आते हैं जो तीसरा डिफरेंस है ना, वो है कि नया पे जो है ना वो जस्ट एंड्रॉयड में सपोर्टेड है, आपको आईफोन में ये नहीं मिलेगा। और जो सादा पे है ना, सादा पे आपको एंड्रॉयड में भी मिलेगा और आईओएस मतलब जो आईफोन वगैरह है ना, तो उसमें भी है। अच्छा, जो चौथी डिफरेंस है ना, वो नया पे का इंटरफेस के बारे में। इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना, कोई नया बंदा जब इसको ज्वाइन कर लेना, तो उसको समझने में बहुत मतलब टाइम लगेगा कि मतलब ये ऑप्शन किधर है वगैरह। और जो सादा पे ना, इसका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो डिफरेंस है ना, वो है कि मतलब जो नया पे का जो डेबिट कार्ड है ना, उसके ऊपर उसका जो नंबर बिल्कुल मतलब वो शो होता है, नंबर उधर लिखा होता है। और जो सादा पे है ना, उसके जो डेबिट कार्ड के ऊपर नंबर वगैरह नहीं होते हैं। अगर आपसे अगर सादा पे का एक वो डेबिट कार्ड कहीं गुम भी हो जाए ना, तो अगर कोई उसको उठा भी ले, तो उसको वो नंबर वगैरह उधर शो नहीं होंगे, वो जस्ट आप ऐप के थ्रू ही उधर देख सकते हैं। तो ये अगर सिक्योरिटी बेस देख लेना, तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आते हैं, अगर आप नया पे से विड्रॉ करते हैं ना ATM के ज़रिए, तो आप हर ट्रांजैक्शन, आप हर विड्रॉ पर आप टैक्स देंगे, जिस तरह आम होता है ना टैक्स देते हैं। लेकिन सादा पे में आप जब हर मंथ में 3 दफ़ा ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं जो विड्रॉ है,
तीन दफ़ा आप विड्रॉ फ्री से कर सकते हैं, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप इस नए ऐप में आप अपने फ़ोन में बैलेंस भी डलवा सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन भी अवेलेबल है जो कि सात ऐप में अवेलेबल नहीं है। अभी इसके बाद आते हैं ये गोल्डन टिकट। ये गोल्डन टिकट का मैंने आपको कहा था कि मतलब ये जस्ट उन बंदों को मिलते हैं ना जो सात ऐप में बहुत ओल्ड बंदे होते हैं, तो उनको ये गोल्डन टिकट मिल जाता है। तो वो सात ऐप की तरफ से ईमेल के थ्रू आपको मिल सकता है वो गोल्डन टिकट। आपने क्या करना है, अगर आपने बस वो गोल्डन टिकट यूज़ करके आप जिस तरह उसको यूज़ करेंगे ना, तो आप वेटिंग लिस्ट से चले जाएंगे। मतलब आपका आपके अकाउंट अगर पहले एक हफ्ते में बन रहा था, फिर एक ही दिन में बन जाएगा। तो अगर इसको आपने समझ लेना कि गोल्डन टिकट किस तरह यूज़ करते वगैरह, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप फिर उधर जाके देख सकते हैं। तो नया पे में गोल्डन टिकट की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद आते हैं नया पे जो है ना, आप अगर कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं ना, तो एनी कोई भी मीज़ान बैंक या आस्करी बैंक में जाके उधर डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन सादा पे में जो है ना, सादा पे में ये आपको अवेलेबल नहीं है, आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। अच्छा, तो यही तक था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।